मस्जिद कू से हम निकल गए हैं, अब जा रहे हैं मस्जिद अली की तरफ। चलते हैं, थोड़े ही फासले पे आगे जो है मस्जिद अली बनी हुई है, देख रहे हैं आप, ये मस्जिद अली आ गई। ये देख रहे हैं, ये है जी मस्जिद अली। अभी हम आपको इसके अंदर की भी ज़्यारत कराएंगे, पहले गाड़ी पार्क कर लें। ये देख रहे हैं आप, ये बंद कर दी। अस्सलाम, आज आप देख रहे हैं कि हम इस वक्त पहुंच चुके हैं मस्जिद अली के पास। करीबी जो है वो बाग था, जहाँ के अंगूर हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेश किए गए थे। और ये है जी मस्जिद अली, और कुछ लोग इसे मस्जिद कू भी कहते हैं, लेकिन मस्जिद कू दूसरी थी, जिसे मस्जिद मोहम्मद कहा जाता है इसे भी मस्जिद कू कहते हैं, और इसे मस्जिद बिलाल भी कुछ लोग कह देते हैं, लेकिन इसे मस्जिद अली कहा जाता है। कि जब हज़रत अली करम अल्लाह वजो तशरीफ़ लाए थे ताइफ में, तो इसी मुकाम पर वो नमाज़ पढ़ते थे, और जो है इसलिए इन हज़रत अली के नाम से जो है ये मस्जिद यहाँ बनाई गई है। ये एक तारीखी मस्जिद है, और देख रहे हैं आपके इनके बारे, इस मस्जिद के बारे में ये भी कहा जाता है कि ये इस्लाम की पहली वो मस्जिद है जिसके ऊपर गुम्बद बनाया गया है। गुम्बद कौन सा, और जो ये इसके मीनार के ऊपर जो आपको छोटा सा गुम्बद नज़र आ रहा है, ये गुम्बद पहली इस्लाम की मस्जिद है जिसका गुम्बद बनाया गया। ये बातें हम यहीं के लोगों से मतलब सुन रहे हैं, चलते हैं करीब और आपको ये सीन दिखाते हैं। मस्जिद कू, मस्जिद अली, और ये बाग, और मस्जिद अब्दुल्ला बिन अब्बास एक बहुत बड़े सहाबी हैं, उनकी कदीम मस्जिद जहाँ से वो इस्लाम की खिदमत किया करते थे, दीन की तबलीग वगैरह करते थे, वो भी यहाँ पीछे ही है, उसके भी आप वीडियो दिखाएंगे। ये चार जो हैं एक ही जगह में मौजूद हैं, तो करीब चलते हैं जी उनके, रोड क्रॉस करके देख रहे हैं। बहुत ही प्यारा सा यहाँ एक पहाड़ है, और ये है जी साथ में मस्जिद अली। ये हमारी गाड़ी खड़ी है, और मैं आपको अंदर का ज़रा ज़ियारत कराता हूँ। ये देख रहे हैं जी मस्जिद है अली। यहाँ कहते हैं कि हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी नमाज़ अदा की थी, और ये देख रहे हैं आप मस्जिद के फिलहाल खुली हुई है। ये देख रहे हैं आप, मैं मस्जिद के अंदर जाता हूँ। ये वो मस्जिद है जिसे मस्जिद अली कहा जाता है, ये देख रहे हैं आप। और इस मस्जिद में बहुत सारे जगह जगह पर नाम लिखे हुए हैं, यानी जो जो यहाँ आया है अपनी एक याददाश्त छोड़ने के खातिर यहाँ अपने नाम शाम लिखता रहा है। तो यहाँ ये काम कुछ इतना ठीक नहीं है, क्योंकि देखें बच्चे जो है स्कूल की दीवारों पे लिखते हैं, इसी तरह लग रहा है कि जी यहाँ लिखा लिखा हुआ ये सारा कुछ। तो इस मस्जिद में भी दो रकात नफल अदा करते हैं जी, तो फिर हम आगे चलेंगे। मेहराब देख रहे हैं, यहाँ कारपेट वगैरह बिछे हुए हैं, और ये देख रहे हैं दो जानिब खिड़कियाँ हैं जो बंद की हुई हैं फ़िलहाल, और यहाँ रोड साइड की जो खिड़कियाँ हैं वो खुली हैं अभी भी। ये अच्छी पुरानी मस्जिद है, और इसकी जो है जाहिर सी बात है मेंटेनेंस की हुई है, दोबारा से रिन्यूवेट की गई है, क्योंकि इतनी कदीम है कि जब तक इसको दोबारा से मेंटेनेंस ना करेंगे तो ये ख़राब हो जाएगी। वो बाहर हमारी गाड़ी खड़ी हुई है, तो मैं आपको इसका मीनार भी दिखाता हूँ। अब कहते हैं कि जी यहाँ पे हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यहाँ भी नमाज़ अदा की है। कुछ लोग, अब ये भी एक रात है कि यहाँ हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो थे वो जब ताइफ आए थे तो इस मस्जिद में वो नमाज़ पढ़ते थे और जो दीन की खिदमत करते थे। ये देख रहे हैं जी इस वक्त यहाँ भी नमाज़ पढ़ने की जगह है, और बहुत ही प्यारी जगह है। और मैं आपको ये ऊपर जाके दिखाता हूँ। ये देख रहे हैं आप,
ये छोटी छोटी जगहें भी बनी हुई है, और यहाँ से थोड़ा इस मस्जिद के छत के ऊपर आने के लिए जगह बनी हुई है। वो आप सामने देख रहे हैं बाग, जिस बाग की ज़्यारत हम कर रहे थे, देख रहे हैं जी। और वो पीछे जहाँ खजूर के पेड़ लगे हुए हैं, तो पीछे एक मस्जिद है लेकिन छुपी हुई है, बहुत मीनार छोटा सा नज़र आ रहा है, वो मस्जिद अद्दास है। और जहाँ हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुर पेश किए गए थे। और ये देख रहे हैं आप मीनार, और ये कहते हैं कि ये जो गुम्बद है इस्लाम की पहली वो मस्जिद है जिसके ऊपर गुम्बद बनाया गया था। ये देख रहे हैं जी हमारे पीछे आपको ये मीनार नज़र आ रहा है मस्जिद का, ये मस्जिद अली है। और इसी के सामने जो है वो बाग भी है जहाँ पे हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंगूर खाए थे, वो बाग के सामने है। इसकी भी आपको जो ज़्यारत कराई है तो उसके मीनार के ऊपर जाके देखते हैं जी। ये देख रहे हैं जी इस वक्त जा रहे हैं ऊपर, उसी ज़माने का ये बना हुआ है माशाल्लाह जी। अभी तक जो है ये कितने कदीम ये मीनार बना हुआ है, छोटे छोटे हवा रोशनदान भी हैं इधर, ताकि जो है यहाँ घुटन वगैरह ना हो। वहाँ देखें ये नज़ारा देखें आप, तो ये हम आ गए हैं जी बिल्कुल इस मेहराब के पास आ गए हैं। मज़ीद ऊपर भी जगह मौजूद है जी, यहाँ थोड़ा सा ये देख रहे हैं जी। अभी इस वक्त मस्जिद अली के मीनार के ऊपर खड़ा हुआ हूँ, और नीचे हमारी गाड़ी खड़ी हुई है, और वो सामने जो बाग आपको नज़र आ रहा है ये वही बाग है जहाँ हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंगूर खाए थे, उन्हें अंगूर पेश किए गए थे। वही बाग वो सामने है जहाँ खजूर के पेड़ नज़र आ रहे हैं, और पीछे एक मस्जिद नज़र आ रही है, सफ़ेद सा एक मीनार नज़र आ रहा है, वो मस्जिद अद्दास है। यानी कि वही सहाबी हैं जिन्होंने यहाँ इस्लाम कबूल किया था। मीनार के ऊपर से मस्जिद अली के मीनार से जो आपको देखें कि सब पहाड़ पीछे नज़र आ रहा है, शायद उस वक्त ये कच्चा रास्ता होगा, ये रोड तो बाद में बनी है। आप मेरे पीछे देख रहे हैं जी, अब ये सुना कि यह जो है इस्लाम की पहली वो मस्जिद है जिसके ऊपर ये गुम्बद बनाया गया था। ये आप देख रहे हैं बहुत पुराना हो गया, इसमें ये सुराख वगैरह हो गए हैं, ये देख रहे हैं आप। और ये देख रहे हैं जी आप, ये इस वक्त हम ताइफ में मौजूद हैं, और वो नीचे हमारी गाड़ी खड़ी है। अभी चलते हैं आगे, मस्जिद अब्दुल्ला बिन अब्बास कदीम जो है उसकी ज़्यारत करते हैं। अभी वापस जा रहे हैं जी, मीनार से नीचे उतर रहे हैं। आप ये सीन देखें, आगे का सीन दिखाते हैं, किसी सीढ़ियाँ नज़र आ रही हैं उतरते हुए ऊपर का, तो आप छत का नज़ारा देखें किस तरह लकड़ लगा लगा के बना हुआ है नज़ारा, साथ साथ में ये खिड़कियाँ छिड़कियाँ भी हैं। और ये आ गया मस्जिद का छत, और जी चलते हैं हम अपनी गाड़ी में, और मस्जिद अब्दुल्ला बिन अब्बास कदीम के पास हम जाते हैं। मेरे पीछे ताइफ की ये ज़्यारत जो है, मैं आपको दिखा रहा हूँ बैक साइड में, आपको ये देख रहे हैं ये मीनार इसका बना हुआ है जिसके ऊपर गुंबद है, और बहुत ही कदीम उसी ज़माने का ही बना हुआ है। ये देख रहे हैं आप, यहाँ से बहुत दुश्वार रास्ता है जी, ये देख रहे हैं। मस्जिद का पूरा एक राउंड हो गया है मुकम्मल चारों तरफ से। चलें जी हम अब चलते हैं, और चलें जी हम अपनी गाड़ी की तरफ, अलविदा करते हैं जी मस्जिद अली को। ये अलविदा।
विदा करते हैं जी मस्जिद अली को भी और जाते हैं आगे मस्जिद अब्दुल्ला बिन अब्बास कदीम जो यहाँ बनी हुई है, फिर उसकी ज़ियारत करते हैं, फिर आगे जाएंगे इंशाल्लाह।